나 키보드 가지고 나왔습니다. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो उसको लेकर के ये विजन 2030 भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र की जो सोच है उसके आधार पर इसको बनाया गया है और इतनी बड़ी सुस्पष्ट चीज़ है आज हम कहाँ पर खड़े हैं और 2030 तक हमको कहाँ पहुँचना है समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग और टाइम बाउंड प्रोग्रामिंग ताकि लक्ष्य आधारित और समय अवधि उसमें फिक्स अगर लोग जैसा उसमें व्यवस्था की गई है तो उसे तो विकास के जो काम हैं उन पर वो समय पर शुरू होंगे उनमें गति आएगी और सब चीज़ ये सामने रहेगा कि जो लक्ष्य के अनुरूप हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट की गई हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है वो राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गारंटी है। मनरेगा की भी आज हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें जो तमाम CDO हैं विभागीय अधिकारी हैं उसके अलावा उसमें कुछ जनप्रतिनिधि उसके सदस्य होते हैं और अभी वो मीटिंग चल रही है लेकिन जो मोटा मोटा उसमें देखने में आया है कि उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है। PMJSY में बहुत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो भारत सरकार ने भी उसमें हमको सम्मानित किया है। 5-5 अवार्ड स्टेट को मिले हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो PMJSY का काम तो बहुत अच्छा हुआ है और जो मनरेगा का काम है मनरेगा में हम लोगों ने आज एक यहाँ से मिनट्स पर जो भारत सरकार को जाएंगे कि जो पाइन नीडल है चीड़ की पत्तियाँ हैं उनको उठाने का भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। हमने आज कहा है कि इसका प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेज दीजिए तो मैं समझता हूँ कि उससे हमारी जो ग्रामीण जनता है विशेषकर क्योंकि चीड़ जो है ये हाइट पर होता है ऊंचाई पर होता है और वहीं से हमारा पलायन भी है और वहीं पर बेरोजगारी भी ज़्यादा है और रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं तो उसको अगर हम सम्मिलित कर लेंगे तो हमारा जो चीड़ की पत्तियों का जो मूल्य है वो उनको अधिक मिलेगा लोगों को अच्छा रोजगार अच्छी इनकम उससे मिलेगी और साथ ही जो वनाग्नि होती है पर्यावरण को जो नुकसान होता है पूरे इकोसिस्टम को भी वो संरक्षित करेगा।